आतंकी खतरे को लेकर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव ने अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को एडवाइजरी भी जारी की है, उन्हें तुरंत घाटी छोड़ने के लिए कहा गया है। इस एडवाइजरी के बाद अमरनाथ यात्री कश्मीर से वापस लौटने भी वाले हैं और इसकी तैयारी पहले से कर दी गई है और इसका असर भी देखने को मिला है। दरअसल सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा के रूट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक स्नाइपर राइफल मिली थी, जिसके बाद यात्रा रोकने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में कुछ संभावित बड़े फैसले को लेकर घाटी में बढ़ती अटकलों के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया। शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि अब मामला आर पार का हो चुका है और भारत ने जनता के बजाय जमीन को तरजीह दी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार शाम को राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक मुलाकात की और उन्हें शांत रहने और साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकने को अन्य मुद्दों के साथ जोड़कर बेवजह का डर पैदा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने राजनीतिक नेताओं से अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की और साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का लगातार आतंकियों पर प्रहार भी जारी है और वहीं सोपोर के बारापोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है, इसके बाद सेना ने दो आतंकियों को मार भी गिरा। जानकारी यह है कि सेना की 32 आरआर एसओजी और एसटीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने बारपोरा में घेरा बनाया था और तलाशी अभियान भी चलाया था। देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं, तो वहीं मुंबई की बात करें तो सुबह से तेज बारिश मुंबई में हो रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता मनोहर लाल बनकर काम करे। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि 75+ का टारगेट पूरा करना है, पूरे हरियाणा का दायित्व मेरे ऊपर है। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा रैली करेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वायरल हुआ है जिसमें गांधी परिवार गायब है। वायरल पोस्टर में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर दिखाया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इंटेलिजेंस विभाग और पुलिस की टीम ने हिसार से 3 संदिग्ध पाक जासूसों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों की पहचान राजीव बहताब और खालिद के रूप में हुई है। आरोपियों के मोबाइल से सेना की गतिविधियों की वीडियो भी क्लिप मिली। आरोप यह है कि तीनों व्हाट्सएप के जरिए कॉल और वीडियो कॉल कर पाकिस्तानी जासूसों से बातचीत कर रहे थे। इनके मोबाइल फोन से कुछ फोटोग्राफ्स भी बरामद हुए। कुरुक्षेत्र जिला जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब डीसीएसपी ने 200 पुलिसकर्मियों के साथ जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में करीबन 4 घंटे तक छापेमारी चली। यदि आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से कुरुक्षेत्र जेल अनियमितताओं को लेकर चर्चा में रही है, इसको लेकर ही आज एसपी और डीसी ने एक एक्शन मोड में सर्च ऑपरेशन चलाया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का चंबा दौरा तय हो गया है। सीएम जयराम ठाकुर 4 अगस्त को शिमला से चंबा के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे।
चंबा में सीएम जयराम ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का विधिवत रूप से समापन करेंगे और साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी संबोधित करेंगे, कई सौगातें भी देंगे। निर्धारित दौरे के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर 4 अगस्त रविवार को करीबन 1 बजे शिमला से चंबा के लिए रवाना होंगे। चंबा में सीएम चंबा कॉलेज के पीजी ब्लॉक की नींव भी रखेंगे। कैसल पहुंचे राज्यसभा सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए विशेष काम किए हैं और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी काफी बढ़ोतरी हुई। जिन में होने वाली रैली को लेकर भी वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जिन रैली में गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये लगभग 8वीं बार अयोध्या का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचे, वो लगभग 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे। इसके बाद वो सबसे पहले मीरपुर द्वाबा जाएंगे और यहां विश्व की सबसे ऊंची श्रीराम की मूर्ति लगाई जानी है। समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह नागर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल सुरेंद्र सिंह नागर अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। अखिलेश यादव ने ही उन्हें राज्यसभा में भेजा था और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया था। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने वीरभद्र के साथ सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मनकोटिया ने कहा है कि वीरभद्र सिंह को राजनीति में त्याग पत्र दे देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रदेश में आज जो कांग्रेस की हालत है उसका कारण परिवारवाद ही है। वहां धर्मशाला में होने वाले उपचुनाव में सुधीर शर्मा को चुनाव न लड़ने की भी सलाह दी गई। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने राम जन्मभूमि मामले पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी पक्षों को स्वीकार्य होगा। मंत्री ने भी कहा कि इसका समाधान सुलह समझौते से हो कि दुर्भाग्यवश वो पहले फेल हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मामले की प्रतिदिन सुनवाई करेगा और हमें उम्मीद है कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। मंडी के एक युवक ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिंदू क्षत्रिय महासभा ने पुलिस और प्रशासन से उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्षत्रिय महासभा ने इसको लेकर कुल्लू के एसएसपी को भी ज्ञापन दिया है। क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि व्यक्ति रोज हिंदू धर्म के प्रति लोगों को भ्रमित करता है। दादरी में धरने पर बैठे एक किसान ने दम तोड़ दिया है। झानी फोगाट गांव में किसान मुआवजे की मांग को लेकर अभी भी धरने पर है। प्रदर्शनकारी किसानों ने मांग ये रखी है कि मृतक किसान को शहीद का दर्जा मिले, साथ ही परिवार के एक सदस्य के लिए भी नौकरी दी जाए। किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। पंचकुला में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 8 दिन से अनशन पर बैठे कर्मी की हालत भी बिगड़ी यहां पर, इसके चलते अस्पताल में से भर्ती कराया गया। इससे पहले भी 3 कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनकी हालत को बिगड़ता देख ऐसा किया गया था। पिछले 5 साल से नियुक्तियों का ये अभी तक इंतजार कर रहे हैं और सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिला।
नारायणगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट सुखेंद्र सिंह नारा ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक। बैठक में कांग्रेस कमेटी आईटी सेल की टीम के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में भारी मत से जीत दिलाने पर भी चर्चा की गई। हमीरपुर के आधार में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में बस में बैठे 17 सवारी घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी सवारियों का इलाज चल रहा। गुरुग्राम के बसई रोड पर सड़क के बीच बड़ा गड्ढा बन गया है। ओवरलोड ट्रक के धक्के से ये गड्ढा बना। जनमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रक जरूर क्षतिग्रस्त हुआ। भी आपको बता दें कि ये मास्टर सीवर लाइन के पानी से ये बड़ा कटाव हुआ है। अंदर ही अंदर सीवर लाइन के पानी लीकेज से आसपास के इलाके में भी मिट्टी का धसना और एक बड़ा हादसा हो सकता है। मामला दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना सीलमपुर में अज्ञात बदमाशों का है, जहां पर एक युवक को बड़ी ही बेरहमी से इन बदमाशों ने चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया मृतक जोगिंदर पास के ही कॉलोनी का रहने वाला था और पेशे से सफाई कर्मचारी था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है। फिरोजाबाद सिरसागंज के नगलाबाग में बकरियों को लेकर हुए विवाद में एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी 4 साल से जेल में बंद था। बहल से बालाघाट सड़क पर शराब से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक तेज गति से चल रहा था, जिसके कारण सड़क किनारे पलट गया और ट्रक मौके पर जलकर खाक भी हो गया। आज की खबर लोगों को लगी तो मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने नुकसान को बेशक रोज खबरों में ला दिया हो, लेकिन अभी तक प्रदेश में अपेक्षा से कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। प्रदेश में सीजन की बात करें तो केवल 49% ही बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के हिसाब से 28% कम बारिश आती है। जिला उपायुक्त अमित कश्यप के मुताबिक जिले में बारिश की वजह से करीबन 13 करोड़ का नुकसान आंका गया है, जिसमें 9 रिहायशी मकान और 4 गौशालाएं भी शामिल हैं। स्कूल पढ़ने गए मासूम बच्चों से टूटी हुई स्कूल की बेंच को सही करवाया जाने का मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद में दुकानदार को गोली मारने का मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों की गोली मारने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यह मामला लोनी इलाके के अशोक नगर इलाके का है, जहां पर आसिफ का यह कहना था कि 3 लोग बाइक पर आए थे। उनमें से एक शख्स दुकान के अंदर घुसा और उसने पैर पर गोली मारी।
हरासित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगराता के अतलेऊ गांव में रोड कटिंग के दौरान मकान के ऊपर पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसमें मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसा तब हुआ है जब पीड़ित व्यक्ति सरदार सिंह का परिवार रात को अपने घर में ही सो रहा था। मकान के ऊपर पत्थर गिरने के बाद पूरा परिवार मकान से बाहर निकल गया। घटना प्रदर्शनी के चौथे दिन किसानों ने शासन प्रशासन को उनकी नींद से जगाने के लिए राक्षसी यज्ञ किया। किसानों का कहना था कि यदि अब भी प्रशासन नहीं जागा तो हम विकराल रूप धारण कर लेंगे, प्रदर्शन करेंगे। चंदौली जिले के चकिया में वकीलों ने उप जिलाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना था कि उनके साथ उप जिलाधिकारी हर रोज दुर्व्यवहार करते हैं, इससे तंग आकर ही उन्होंने उप जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो उप जिलाधिकारी अपने रवैये में बदलाव अगर नहीं लाते हैं तो वे लोग पूरे न्यायालय में ही तालाबंदी कर देंगे। कोटद्वार तहसील के अंतर्गत भाबर क्षेत्र का जसोदुरपुर इंडस्ट्री एरिया लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोग स्टील प्लांट की लगी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से परेशान हैं। कई बार ग्रामीण इसे लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं। ग्रामीण चाहते थे कि फैक्ट्रियों को मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए। फैक्ट्रियों के धुएं से परेशान होकर जसोदुरपुर इंडस्ट्री के आसपास रह रहे लोगों ने तहसील में पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनभद्र के अरोली गांव में पुलिस के उत्पीड़न का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का कहना था कि स्थानीय दबंग के इशारे पर पुलिस उनका बार बार शोषण करती है और उनके साथ पुलिस मारती पीटती है और मारपिटाई का यह मामला पहले भी सामने आ चुका है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि उनकी जमीन पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने यह बताया कि सीओसीटी से मामले की जांच की अब हम मांग कर रहे हैं और जरूर मामले में न्याय दिला जाए। बिजनौर यातायात सीओ ने एसआरएफ मॉल के सामने नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र मुख्य अतिथि रहे। इस तरह लोगों को जागरूक भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की सामाजिक समरसता मंच ने हरियाणा हरियाली की का उत्सव जो मनाया जाता है उसको लेकर इस उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया और देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हिंदू समाज की महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में 4 दिवसीय तीज मेले के दूसरे दिन भी लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में लोग तीज मेले में पहुंचे, मेले का आनंद उठाए। उमेश अग्रवाल जो कि विधायक गुरुग्राम से, वो भी यहां पर उपस्थित हैं। जानकारी के मुताबिक तीज मेले के तीसरे दिन यानी कि हरियाणा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश के साथ साथ रेवाड़ी में भी शनिवार को श्रावण महीने के प्रमुख त्यौहार यानी तीज उत्सव की धूम रही।
रियलिटीज पर युवा और बच्चे पतंगबाजी का लुत्फ उठाते नजर आए हैं और आसमान में सुबह से ही पतंगे उड़ना शुरू हो गई। युवाओं ने पतंग उड़ाकर हरियाली तीज उत्सव मनाया, वहीं महिलाओं ने झूला झूलकर इस पर्व को मनाया। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और आज तीज मनाई भी जा रही है। आज भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और पेड़ों पर झूला झूलने की भी परंपरा है। ठाकुर राधा रमण मंदिर में चल रहे सेवा सौभाग्य झूलन महोत्सव अंतर्गत सांसद और नृत्यांगना हेमा मालिनी ने अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में नृत्य की शुरुआत गणेश वंदना से की, इसके बाद उन्होंने वंशी वंदना और मधुराष्टक पर भी नृत्य प्रस्तुति दी। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें राधा रमण लाल के सामने अपनी प्रस्तुति देने का एक बार फिर से मौका मिला। एसएस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के पति अनिखिल जैन संग वो मॉरिशस में हनीमून मनाकर अब लौटी। उन्होंने अपने हनीमून की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। सुपरस्टार कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के साथ बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने वाली है। आयुष और इजाबेल अब एक साथ फिल्म क्वाथा में नजर आए। इस फिल्म का निर्देशन करण ब्रता भूतानी कर रहे हैं और आयुष इसमें एक सोल्जर की भूमिका निभाते नजर आएंगे।